सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ओप्पो रेनो 7 सीरीज की सारी लीड स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। आपको इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर कब तक ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है एंड कितनी इसकी प्राइस सेगमेंट हो सकती है। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 2021 में ओप्पो ने रेनो सीरीज पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। ओप्पो रेनो 6 आया था, 6 प्रो आया था, अब 7 की भी तैयारी हो गई है जो कि काफ़ी जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है एंड उसी के साथ आपको FHD प्लस डिस्प्ले रहेगा। एंड यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगी। उससे भी स्पेशल बात यह है, यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि डिस्प्ले के पूरे कॉम्बिनेशन को एकदम परफेक्ट बना देता है। और गाइस, इसके कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है जो कि मेन कैमरा जो होगा वो आपका 50 मेगापिक्सल का होगा और आपको जो वाइड एंगल कैमरा है वो आपको 16 या 8 मेगापिक्सल का मिलेगा और आपको एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा और देखने को मिल जाएगा। फ्लैश तो आपका रहेगा ही। एंड वहीं पर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा। इस बार आपको रियर कैमरा जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, तो जितने भी रेनो सीरीज अभी तक लॉन्च हुए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे ये था कुछ इसके कैमरे के बारे में। अब मैं आपको इसके बैटरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको 4500 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलने वाली है। एंड इसके चार्जर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग 65 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छा है वाले। इसके चिपसेट को लेकर के यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपको ओप्पो रेनो 7 में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसका पूरा नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। तो ये प्रोसेसर आपको ओप्पो रेनो 7 में देखने को मिलने वाला है। तो ये था सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके लॉन्च डेट एंड इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं आपको इसके लॉन्च डेट के बारे में बताऊँ तो गाइस, ये ओप्पो रेनो 7 जो है वो चाइना में 25 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। तो आपको ये अगले मंथ में या आपको जनवरी के मंथ तक इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लॉन्च डेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। तो लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको दिसंबर के मंथ में या आपको जनवरी तक आपको ये फ़ोन देखने को मिल ही जाएगा। जब फ़ोन चाइना में लॉन्च हो जाते हैं तो आपको इंडिया में भी काफ़ी जल्द देखने को मिल जाता है। और इसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 29,990 रुपीज़ है। तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है जो कि ओप्पो रेनो 7 है एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो भी आएगा, ये इससे ज़्यादा प्राइस में आ सकता है। तो गाइस, ये सारे लीक्ड स्पेसिफिकेशन थे ओप्पो रेनो 7 को लेकर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।